हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्कर। स्वागत है मेरे चैनल। कैसे आप लोग? तो पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, तो उसी के आगे की वीडियो है। मैंने कोई गैप नहीं दिया है, तो 7 दिन से स्टार्ट नहीं करी है कार। पिछली वीडियो का ही ये पार्ट है, तो 7 दिन से स्टार्ट नहीं है कार और बैटरी भी डाउन है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रिस्की हो सकता है, आप कभी मत ट्राई कीजिएगा। ये मेरे वीडियो के ही थ्रू आप समझ सकते हैं। तो अब ये अपन ने पिछली वीडियो में बताया था कि केवल ड्राइवर और बूट खुलता है, को ड्राइवर और अदर कुछ नहीं खुलता है। तो आज मैं अब इसका ये जो की है अपने पास, तो की का मैं करूँगा। तो अपन अनलॉक करेंगे कार को। एक बार अनलॉक कर दिया तो इसके मिरर ओपन हो गए, ORVM ओपन हो चुके हैं। तो ये देखते हैं को ड्राइवर वाला खुलता है या नहीं। नहीं दोस्तों, एक बार क्लिकिंग पे बटन अनलॉक का बटन दबाया तो को ड्राइवर वाला नहीं खुला है। और अब बूट तो खुल ही जाएगा क्योंकि की अपने पास है। और की को इधर रख देते हैं, तो अपन ये वाला खोलते हैं। तो ड्राइवर वाला खुल चुका है दोस्तों। और अब अपन इस की को थोड़ा सा दूर रख के काम बात करें। दोस्तों, मैंने की कार से 4-5 मीटर दूर रख दी है। अब अपन चलते हैं और कार अनलॉक है। तो ये देखिए, वही स्थिति है, अभी सिचुएशन वही है। अब अपन इसको को ड्राइवर को कैसे खोलें, अगर की अंदर हो और कार में से कुछ सामान निकालना हो, पास में हो तो कर सकते हैं। ड्राइवर की तरफ से अपन दिखाते हैं। दोस्तों, की मेरे पास है और अब इसको अपन डबल टाइम्स दबाएंगे। एक दो, तो 2 बार दबा दिया। तो 2 बार लगातार दबाने से तब जाकर ये को ड्राइवर वाला खुला है। तो ये देखिए, अब लॉक कर दिया और अब एक बार अनलॉक किया तो ORVM तो ओपन हो गया, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ है। अब अपन डबल बार क्लिक किया तब जाके ये ओपन हुआ है। ये दोस्तों देखिए, और ये भी ओपन हो चुका है पीछे वाला गेट। तो आप समझ सकते हैं कि बैटरी डाउन में अगर एक बार ही टच करते हैं तो ये नहीं खुलता है को ड्राइवर वाला, केवल पीछे वाला उधर ड्राइवर वाला खुलता है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा कार को। स्टार्ट करने के बाद, बैटरी चार्ज होने के बाद देखते हैं कि ये लॉक का एक बार में ही, अनलॉक का एक बार में ही काम करता है या फिर वो डबल बार दबाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने। और गाड़ी स्टार्ट कर दी है तो ये देखिए, RPM से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार स्टार्ट है अपनी। ये देखिए, 150 के करीब RPM आ रहा है, मतलब कि 1500 है। तो गेट बंद कर लिया है अपन ने। इंजन की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो दोस्तों, अभी 10 से 15 मिनट में ये देखिए 5:59 हो रही हैं। तो इसको 6:10 या 6:15 तक मैं स्टार्ट रखूँगा ताकि बैटरी फुली चार्ज हो जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक क्लिक अनलॉक से ही पूरा गाड़ी अनलॉक हो जाती है या नहीं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, 6:09 हो चुकी हैं। अभी अपन 4-5 मिनट और चलाएंगे इसे ताकि अच्छे से बैटरी चार्ज हो जाए। तो दोस्तों, 6:16 हो चुकी हैं और कार बंद कर दी है मैंने। 15 मिनट खूब हैं। तो अब देखते हैं लॉक खुलता है या नहीं, सिंगल टच या फिर डबल टच से। चलो दोस्तों, कार स्टार्ट कर दी है मैंने और बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुकी है। अब अपन देखते हैं कि बिना रिमोट कीलेस एंट्री को ड्राइवर की तरफ से हो सकती है या नहीं। ये की मेरे पास है, ये देखिए दोस्तों, फुल्ली चार्ज बैटरी ही अच्छी तरह काम करती है कार, फुल्ली चार्ज में ही। तभी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था आपको कि कोरोना काल में कैसे अपन उस कार की मेंटेन करें, कार को कार केयर टिप्स दी थी। तो ये देखिए दोस्तों, और ये लॉक भी हो रही है, ये देखिए लॉक भी हो रही है और अनलॉक भी हो रही है। ये देखिए, खुल गया है, ढंग से बंद नहीं हुआ, इसको बंद कर देते हैं। और ये देखिए, सिंगल टच में अब काम करेगा नहीं, तो ये चीज, ये देखिए, अब लॉक कर देते हैं इसको। ये लॉक हो गया, सिंगल टच में देखते हैं। ये मैंने टच किया, ये ORVM ओपन हो चुका है और इसको देखते हैं खुलता है या नहीं। दोस्तों, ये भी खुल चुका है। इसका मतलब साफ है कि
यदि आप कार को फुल्ली चार्ज नहीं रखोगे तो कार अच्छी तरह काम नहीं करेगी, पूरी प्रॉपर काम नहीं करेगी, और अगर कार को आप ढंग से चार्ज रखते हो तो आपके सामने रिजल्ट मैंने दे दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंचे, और अगले वीडियो तक सीट बेल्ट हेलमेट का ध्यान रखें, रूल्स फॉलो करें। थैंक यू।